एमपी के शिवपुरी से करेरा की तरफ तेज गति से जा रही अर्टिगा कार का टायर फटने से भीषण सड़क हादसा हुआ। घटना में दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं चार लोग घायल हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए ग्वालियर भेज दिया है। बाकी तीन का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मामले में पुलिस का कहना है कि शिवपुरी से करेरा की ओर जा रही अर्टिगा गाड़ी का टायर फटने से कार रेलिंग से जा टकराई। गाड़ी में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। एक गंभीर घायल को ग्वालियर रेफर कर दिया है, बाकी 3 घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इसमें किस तरह की घटना है और क्या हुआ? ये सुप्री तरह से अर्टिगा कार जा रही थी करेरा तरफ की ओर, ये थाने के पास में ये इसका संतुलन बिगड़ गया और ये पोल से टकरा गई, जिससे हम थाने बैठे थे, हमको आवाज आई तो हम तत्काल थाने से हम वहाँ घटनास्थल पहुंचे। तो उसमें 2 लोग बाहर डले हुए थे, जनता भी वहाँ अपनी आ चुकी थी, उनकी मदद से अपन ने 108 में इसको सुप्री भिजवाए जिला चिकित्सालय से। जो अपना एक डला था लड़का, उसको अपने एक एम्बुलेंस आई थी इंदौर उधर से आ रही थी अपनी झांसी तरफ से, उसमें उसको ला के श्री जिला चिकित्सालय इलाज किया है। सर, ये गाड़ी में कितने लोग थे? गाड़ी में 6 लोग। तो कैजुअल्टी भी है क्या? कैजुअल्टी हमको एक रख रहा था, जैसे हो गई, जैसे हम वहाँ को हमें पता तो नहीं, खत्म हो गया, लेकिन उनको सभी को एम्बुलेंस में बैठा के तत्काल हम जांच चला रहा है। सर, क्या क्या बताया अस्पताल में, क्या कैसे भी रही? और अस्पताल में 2 मृत घोषित कर दिए, एक को ग्वालियर रेफर कर दिया, 3 का उपचार यहाँ चल रहा है जिला चिकित्सालय। शिवपुरी से राकेश भोज, सागर टीवी न्यूज़।